हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपनास किचन। तो चलिए कुछ बढ़िया बनाते हैं, बढ़िया खाते हैं। वैसे दीपावली आ रही है और दीपावली में हम बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि शक्करपाले कैसे बनाते हैं। शक्करपाले बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी मैदा। आप कोई भी कटोरी ले सकते हो, मैंने ये कटोरी ली है और मैदा भी गिन के लिया है। अब उसी कटोरी से आप अगर पीसी वाली चीनी लेना चाहते हो तो फुल कटोरी लेना, और ऐसे जाड़ी वाली लेना चाहते हो तो आधे से ऐसे ऊपर लेना। उसके बाद उसमें आपने जितनी शक्कर ली है उसी कटोरी में आपको उतना ही दूध लेना है, और दूध गरम गरम लेना है और शक्कर में डालना है। देखिए शक्कर अच्छे से दूध में घुल गई है। अब उसमें हम जो कटोरी ली है उसका पाव हिस्सा घी लेना है आपको, और दूध वाले मिश्रण में इसको मिला देना है और उसको भी अच्छे से मिक्स करना है। यही मिश्रण डालकर अब हम ये जो मिक्सर तैयार हो गया है उसको हम मैदे में थोड़ा थोड़ा डालकर आटा गूंद लेंगे। देखिए ये डो अच्छे से बन गया है। जितना हमने घी शक्कर और दूध का मिश्रण लिया था उतना ही पूरे में ये हो ही जाता है, ऊपर पानी या दूध कुछ भी नहीं लगता है। अब इसको हम आधा घंटा रेस्ट कराएंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब हम आटे को अच्छे से मसल लेंगे और छोटी लोइयां बनाकर उसको बेल लेंगे। आटा मसलते वक्त आपको ऐसे लगे कि बहुत ही कड़क हो गया आटा, तो आप उसको पानी का हाथ लगाकर या दूध का हाथ लगाकर थोड़ा बेलने जैसा नरम कर आटे की लोई लेकर उसको बेल लीजिए। थोड़ा मैदा लगाकर आटे की ऐसी रोटी बना लीजिए, और फिर अब हम इसके शक्करपाले काटेंगे। रोटी थोड़ी मोटी ही चाहिए, यानी शक्करपाले अच्छे से बनेंगे। मैंने पहले से ही तेल गरम करने के लिए रख दिया है तेल, तो तेल गरम होने के बाद हम शक्करपाले इसमें डीप फ्राई करेंगे। अब मैं शक्करपाले उसमें डाल रही हूँ। अब हम उसको कम आंच पर डीप फ्राई करेंगे। कम यानी कि मीडियम आंच भी रख सकते हो आप, और आप बहुत सारे शक्करपाले बना रहे हो तो आपको बना के उसको कपड़े से कवर करके रखना है, फिर एक साथ आप उसको डीप फ्राई कर सकते हैं। देखिए ये बन गए शक्करपाले, कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन। ये बन गए शक्करपाले। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे दबाइए ताकि जो भी नेक्स्ट रेसिपी वीडियो मैं शेयर करूँ आप उसे तुरंत देख पाओ। थैंक यू।